हाय गाइस, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल करियर कैंपस। हमने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 लेक्चर 7 में डिस्कस किया है, और आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उस लेक्चर नंबर 7 को देख कर आए, तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देर इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ 7x5, फाइंड द नंबर ऑफ rectangles including only those squares whose both side lengths are even। ठीक है, इन्होंने बोला है कि तुम्हें वो rectangles बताने हैं जिनकी दोनों की दोनों sides की length क्या है, even है। तुम्हें वो rectangles बताने हैं जिनके दोनों के दोनों sides की length क्या है, even है। ठीक है, चलो भैया देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये क्वेश्चन 15 का सोल्यूशन लिखा है। मैंने इसको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं इसको रेफर करूंगा आपसे, अभी आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन लिखा छोड़ दिया है। देखो, अगर रेक्टेंगल आपको बनाना है और इवन लेंथ का, तो वो कौन कौन सा बन सकता है? 2x2 का हो सकता है, 2x4 का हो सकता है, 2x6 का हो सकता है, ठीक है, और 4x2 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, और 4x6 का हो सकता है। ठीक है, क्या वो 6x2 हो सकता है? नहीं हो सकता। 6x2 क्यों नहीं हो सकता? उसका सीधा सा बात यह है कि इस साइड की लेंथ जो है वो मैक्सिमम 5 है, तो इस साइड से आप 6 नहीं निकाल सकते, लेकिन इस साइड में आप जा सकते हो। जैसे 2x6 तो आप चले गए कि भैया आपने यहाँ की 2 ली और इधर की 6 लेंथ पकड़ ली, लेकिन इधर की 6 और 2 पकड़ पाओगे क्या? नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए 6x2 पॉसिबल नहीं है, 6x4, 6x6 पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। 2x2 के बनेगा, 2x4 का बनेगा, 2x6 का बनेगा, 4x2 का बनेगा, 4x4 का बनेगा, और 4x6 का। तो देखो, 2x2 और 4x4 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्टली उनको ले लेंगे, वो हम कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी रोज इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें कौन कौन से लेने वाले हैं। 2x2 ले लिया हमने, 2x4 हमें एक लेना है, एक हमें 2x6 लेना है, 4x2 लेना है हमें, और हमें लेना है 4x6। ठीक है, ये 6x4 है, ये 4x2 है, ठीक है, ये तुम्हारे 24 हैं, ये तुम्हारे 8 हैं। ठीक है, चलो देखते हैं 2x4 के कितने आएंगे। 2x4 के ये 2 है और 4, 1, 2, 3, 4 एक आया। ठीक है, आगे बढ़ो, विंडो स्लाइड करो, फिर से 2 आए, 2, उसके बाद ये वाला गया, 3 आ गए, कितने आ गए? 3 आ गए, और एक और बार आगे गया हम, ये कितने आ गए? 4 आ गए, कितने आ गए? 4 एक बार में। और उसके बाद विंडो स्लाइड करोगे 2, एक बार ये वाली विंडो लोगे तुम, ऐसी वाली, सॉरी ये वाली, ठीक है, उसके बाद फिर तुम ये वाली विंडो लोगे, ठीक है, उसके बाद तुम ये वाली विंडो लोगे। ठीक है, देखो 2x4 के निकाल लेना तुमको। देखो, तुमने पहले ये 2 लेंथ ली और 4 ये ली, 1, 2, 3, 4 एक आ गया, उसके बाद ये लिया, 2 आ गया, उसके बाद ये लिया, 3 आ गया, और ये लिया, 4 आ गया, मतलब एक बार में 4 बन रहा है। उसके बाद देखो, एक बार ये लेंथ ली तुमने, एक बार ये लेंथ ली 2, एक बार ये लेंथ ली 3, और एक बार ये लेंथ ली 4, तो 4x4, ठीक है, इधर कितने हो 16। 2x6 का निकाल लेते हैं, ये 2 लिया, ठीक है, और 6, 2x6 का सीधा पकड़ने गया, तो ये आया ये वाला, पूरी की पूरी 6 लेंथ लेनी ना तुमको, ना कि 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक की, ठीक है, ये वाला, ये पूरा का पूरा 1, 2x6 का ये 1, फिर तुमने एक विंडो स्लाइड की, एक बनाया 2, कितने 2, एक बार में कितने आए 2 आए तुम्हारे, एक बार में कितने आए 2 आए, एक बार तुम्हारे कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद विंडो साइड करोगे 1, 2, 3 और 4, 2x4 यानी कि 8। ठीक है, इसके बाद तुम्हें बनाना है 4x2 का, 4x2 का आप बनाओ जरा, देखो क्या होता है, मैं इसमें इंक डालू जरा, ठीक है, 4x2 का बताओ अब क्या आएगा, देखो, चलो भाई 4x2 पकड़ते हैं, मतलब इस बार 4 लेंथ इधर की पकड़नी है,
ये एक, ये कितना आ रहा है एक, देख लो भाई फिर से एक, विंडो स्लाइड करो, विंडो स्लाइड की दो, फिर विंडो स्लाइड करो तीन, फिर विंडो स्लाइड करो चार, फिर विंडो स्लाइड करो पांच, और फिर विंडो स्लाइड करो छह। एक बार में कितने आ रहे हैं छह, और चार वाई ले सक कितना सकते हो एक और दो, इसके अलावा और कोई तरीका पॉसिबल नहीं। तो सिक्स इंटू और फोर क्रॉस सिक्स, फोर क्रॉस सिक्स, फोर लेंथ कितनी है ये, फोर क्रॉस सिक्स वाला तुम पहला क्या पकड़ोगे, ये वाला एक, और एक स्लाइड और करोगे दो, तो एक तरफ से कितने आएंगे दो, और फोर लेंथ तुम कितनी बार ले सकते हो दो बार, तो टोटल चार। अब देखो मैं आपको एक बढ़िया तरीका बताता हूँ एकदम एक्सप्लेन करने वाला, देखो बड़े आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, जब यहां पे ये वाला जो टर्म है फोर है, ठीक है, पीछे वाला जो वैल्यू फोर है, तो मैंने जो फर्स्ट वैल्यू उठाई हमेशा फोर उठाई है, ये देखो, ठीक है, जब यहां पे टर्म टू है तो मैंने पहली वाली वैल्यू हमेशा सिक्स उठाई है, ये देखो सिक्स, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। और जब यहां पे टर्म सिक्स है तो हमेशा पहली वैल्यू क्या आई है, टू आई है। देखो इस कॉन्सेप्ट को आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो कि जब हमने टू क्रॉस फोर का कोई निकाला, जब हमने टू क्रॉस फोर का कोई निकाला तो हमने टू ये लिया है और फोर ये लिया है, तो अब विंडो स्लाइड फोर वाली चाहे जितनी बार अलग अलग तरह से चलाओ, चाहे जितनी बार अलग अलग तरह से चलाओ, बनेंगे तो चार ही ना। देखो दो लेंथ का मैंने ये लिया, एक दो तीन चार, ठीक है, एक उसके बाद ये दो, उसके बाद ये तीन, और उसके बाद ये चार, मैंने स्लाइड करके चला। टू क्रॉस फोर का आप अगर स्लाइडिंग करोगे राइट हैंड की तरफ तो चार तरीके हैं, आप फोर क्रॉस फोर का भी राइट हैंड के साथ अगर स्लाइडिंग करोगे तब भी चार तरीके ही आएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने टू क्रॉस टू को जब स्लाइड किया, टू क्रॉस टू को स्लाइड किया, ये टू क्रॉस टू को जब पकड़ा आपने, टू क्रॉस टू को स्लाइड किया तो कितने तरीके से किया, छह तरीके से। तो आप फोर क्रॉस टू को भी स्लाइड करोगे, फोर तो ये लेंथ है ना, टू क्रॉस स्लाइड करोगे तो हमेशा कितने तरह से होगा, छह तरीके से ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप टोटल करके लिख सकते हो जो भी है, ठीक है भाई आपका आंसर है, ठीक है जी। आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। आप सारे वीडियोस को देखो, आठ लेक्चर है, मैंने काफी कुछ कवर कर दिया है, सारे वीडियोस देखो, वीडियोस को लाइक करो और वीडियोस को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।